लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कांग्रेस में एंट्री का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस के खास मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड के नजदीकी हैं गोकुल सेतिया, और उनको अब कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोल्डी बराड से गोकुल सेतिया के ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड और सन्नी मुल्तानी के साथ गोकुल सेतिया की फोटो भी वायरल हो रही है। ड्रग्स केस में यूएसए की जेल में बंद है सन्नी मुल्तानी और प्रसिद्ध सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांछित है गोल्डी बराड। गोल्डी बराड के गुर्गे सेतिया का खुलेआम प्रचार भी करते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोकुल सेतिया को लेकर के। ये बड़ी खबर, गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री हुई है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, अपराध को लेकर के, नशे को लेकर के, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे सिरसा क्षेत्र के, इनको लेकर के लगातार कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हुए तो क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कांग्रेस में एंट्री हुई है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड का नजदीकी गोकुल सेतिया को बताया जा रहा है। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड के साथ फोटो वायरल हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से गोल्डी बराड के साथ इस समूह में, इस ग्रुप में गोकुल सेतिया भी है। ड्रग तस्कर सन्नी मुल्तानी यूएसए की जेल में बंद है ड्रग तस्करी के मामले में, और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांछित गैंगस्टर गोल्डी बराड। गोल्डी बराड ने खुद इस बात को स्वीकार किया था, जानकारी दी थी, जिम्मेदारी ली थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उन्होंने करवाई है। बम्बिया गैंग के निशाने पर है सिद्धू मूसेवाला के कातिल, और बम्बिया गैंग ने गोल्डी बराड को भी मारने की धमकी दे रखी है, और पिछले दिनों गोकुल सेतिया को भी धमकी दी गई थी। गोकुल सेतिया को भी बम्बिया गैंग की तरफ से धमकी दी गई थी, उसके बाद गोकुल सेतिया की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गोकुल सेतिया को सिक्योरिटी मिली है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। मशहूर सिंगर एपी ढिल्लो के कनाडा के आवास पर गोलीबारी में लॉरेंस गैंग का हाथ बताया जा रहा है। गैंगस्टर से कनेक्शन रखने वाले सेतिया की कांग्रेस में एंट्री पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के फैंस में भारी रोष है, आक्रोश है। सेतिया के कांग्रेस में शामिल होने से मूसेवाला फैंस में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और ये गोकुल सेतिया की तस्वीर आप देखिए, गोकुल सेतिया और गोल्डी बराड इस ग्रुप में नजर आ रहे हैं, और जो गोल्डी बराड के अभी साथी हैं, गुर्गे हैं, वो चुनाव प्रचार में भी नजर आ चुके हैं गोकुल सेतिया के साथ। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर नंबर दो, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान गोल्डी बराड के जो गुर्गे हैं वो नजर आए गोकुल सेतिया के साथ, और तस्वीर नंबर तीन में भी आप देखिए गोल्डी बराड और गोकुल सेतिया की कई तस्वीरें जो है इस तरह की सामने आई हैं, वायरल हो रही हैं। कुछ तस्वीरें पुरानी हैं तो कुछ नई भी हैं, और इसी को लेकर के अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। और मेरी सहयोगी सृष्टि मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं सिरसा से अधिक जानकारी के साथ। सृष्टि, लगातार जिस तरीके से इस बात को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि गोकुल सेतिया की एंट्री हुई है जिसके संबंध गोल्डी बराड के साथ है, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बराड, तो ऐसे में अब सिद्धू मूसेवाला की क्योंकि हत्यारे गोल्डी बराड, तो उसको लेकर के भी अब सिद्धू मूसेवाला के फैंस जो हैं वो भी इस बात को लेकर के खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, खासा रोष उनमें भी पाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धू नाराजगी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। सिद्धू मूसेवाला के फैंस में भी भारी रोष जो है इसको लेकर नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे की पुराने अगर घटनाओं का या पुरानी अगर बातों का जिक्र किया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ कहीं जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांछित है गैंगस्टर गोल्डी बराड, और जब बम्बिहा गैंग की तरफ से कहा जा सकता है कि धमकी गोकुल सेतिया को मिली थी, तो उसने गोल्डी बराड गैंग से या यू कहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी मदद की मांग की थी, और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सिद्धू मूसेवाला के फैंस है या सिद्धू मूसेवाला के समर्थक है उनकी नाराजगी जो है वो लगातार इसको लेकर बनी हुई थी। और आप क्योंकि जिस तरह की खबर सामने आई है कि गोकुल सेतिया कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस खबर के सामने आने के बाद से ही कांग्रेस में शामिल होने से गोकुल सेतिया के मूसेवाला के साथ से भारी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। जैसा कि आप भी जानते हैं जितेंद्र, आज जब ये खबर सामने आई तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल जो है वो खड़े कर दिए, कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि सवाल ये भी पूछे जा रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने
रही है क्या, क्योंकि गोकुल सेठिया का कांग्रेस में शामिल होना, ये वही गोकुल सेठिया है जिनकी मोस्ट वांटेड गोल्डी बराज से लड़कियां मानी गई है। और इसका एक तस्वीर भी वायरल हुआ था जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गोल्डी बराज जो है वो गोकुल सेठिया के साथ मौजूद है। और जिस तरह से हरियाणा न्यूज भी ये खबर चला रहा था, हरियाणा न्यूज ने भी दीपक बावरिया से सवाल किया इस खबर को लेकर। तो आप भी जानते हैं कि दीपक बावरिया को किस तरह की सफाई जो है वो दी गई, वो एक कहीं ना कहीं कहते नजर आए कि ये जो फोटो है ये कॉलेज के समय का है। लेकिन सवाल अभी और खड़े होने लगे कि अगर कॉलेज के समय की दोस्ती, तो उसके बाद बैंकर बनने के बाद गोकुल सेठिया ने अगर गोल्डी बराज से कोई दोस्ती नहीं रखी किसी तरह की, तो फिर क्या वजह रही कि जब मुंडीहा बैंक से गोकुल सेठिया को धमके भरे कॉल किए थे, धमकियां मिली थी, तो लॉरेंस बिश्नोई बैंक से मदद मांगने के लिए गोकुल सेठिया जो है मजबूर हुआ। तो ये तमाम जो सवाल है अब राजनीति में भी आकर खड़े हो रहे हैं, कहीं बीजेपी को भी मौका मिल गया है कांग्रेस पर सवाल उठाने। बिल्कुल अश्वस्ती, लेकिन बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान गोकुल सेठिया के साथ नजर आए हैं, गोल्डी बराड के जो गुर्गे वो भी गोकुल सेठिया के साथ नजर आए चुनाव प्रचार के दौरान। इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, क्या इस बार भी जब जनता के बीच में जा रहे हैं गोकुल सेठिया, तो क्या जो गोल्डी बराड के गुर्गे हैं वो साथ में नजर आ रहे हैं? अभी थोड़ा मुश्किल होगा या यूं कहें जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस तरह की अभी कोई पुष्टि तो नहीं हो पाई है फिलहाल। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा कि सवाल तो हाँ जरूर खड़े हो रहे हैं कि इस बार भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान जो है समर्थन उन्हें कहीं ना कहीं मिल जी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गोल्डी बराड, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और गोकुल सेठिया दोनों की एक साथ में कई तस्वीरें हैं, सिर्फ कोई एक दो तस्वीरें नहीं है बल्कि कई तस्वीरें हैं। और जिस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है कि गोल्डी बराड के साथ संबंध हैं गोकुल सेठिया के, और इसी वजह से बम्बीहा गैंग ने भी गोकुल सेठिया को पिछले दिनों धमकी दी थी, जिसका जिक्र खुद पत्र लिखा था। गोकुल सेठिया ने सरकार से सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मांग की थी, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बम्बीहा गैंग से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, तो उसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। और हालांकि इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि लॉरेंस गैंग से भी उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ इसी तरह की बात कही, और लॉरेंस गैंग से भी अपनी सुरक्षा मांगी गई है गोकुल सेठिया की तरफ से। तो इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आती रही हैं बीच बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में जो कांग्रेस साफ छवि की बात कर रही है, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की बात कर रही है, उस कांग्रेस में गोकुल सेठिया की एंट्री होना, सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड मामले में जो मुख्य आरोपी है गोल्डी बराड, उसके साथ गोकुल सेठिया के संबंध होने की बात सामने आना, अपने आप में कई बड़े सवाल प्रदेश की सियासत में अब लगातार उठ रहे हैं।